वेलकम बैक टू माय चैनल बैकपैक विद मी, मैं हूँ सीमा। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल चुका है कि यह दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश का ट्रिप है। इस ब्लॉग में हम आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे दिखा रहे हैं। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 238 किलोमीटर है। जो रूट हमने लिया है, अगर आप इस हाईवे से जाते हैं तो आप बहुत ही कम समय में हरिद्वार पहुँच जाएंगे। इस रूट से आप मोतीनगर और मेरठ के जाम से बच जाएंगे। यह रूट आपको हरिद्वार सबसे कम समय में पहुंचा देगा। दो साल के बाद दिल्ली से बाहर निकल रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में मेरी मम्मी जी हैं और छोटा बेटा। सेक्टर 62 नोएडा मेट्रो स्टेशन आ गया। अभी यहाँ से हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इकट्ठे फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ मेरठ हरिद्वार के लिए हमें सीधा जाना है और हापुड़ के लिए लेफ्ट पड़ता है। अभी यहाँ पर कोई टोल नहीं लग रहा है, लेकिन अभी शायद ये नया अभी बना है इसलिए टोल अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी फ्री टोल है 31 अगस्त। हम भी इस रूट पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक देखा ही नहीं था ये वाला रूट। मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद दासना के लिए लेफ्ट होना पड़ेगा। ये सब मोदी नगर का जो क्राउड है, ट्रैफिक है, वो सब आपको अवॉइड हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया रोड है, कल ही मेरे एक फ्रेंड ने बताया ये वाला रोड। हरिद्वार जो है 180 किलोमीटर रहता है और करीब हमें लगता है कि हम 3-3.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इस रोड को आप ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, की 44 किलोमीटर है, इस हिसाब से तो 2 घंटे में पहुँच सकते हैं हम लोग। अगर इसी तरीके से रास्ता मिला, ट्रैफिक नहीं मिलता तो हम लोगों को। मौसम बहुत सही हो रहा है। इस टाइम अगर बारिश आ जाए हल्की हल्की तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। हमें करीबन 1.5 घंटा हो गया इस हाईवे पे चलते हुए, अभी तक मगर कोई खाने पीने का देखा नहीं है। कोई भी इस टाइम यहाँ पे कोई भी ना रेस्टोरेंट, कोई ढाबा वगैरह कुछ भी नहीं खुला है, बना हुआ ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इस रोड पे थोड़ा ध्यान से चलना ये पड़ेगा, रॉन्ग साइड से भी कुछ लोग आ रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस रोड पे चलिए। और काफ़ी बारिश शुरू हो गई मेरे कहते ही, हल्की हल्की बौछार शुरू हो रही है। अब देख रहे हैं हमारे विंडशील्ड पर भी, अब मैंने अपने फ्रंट किया, अभी फ्रंट किया हुआ है। हरिद्वार पे भी बारिश ही मिलेगी। यहाँ से अब हरिद्वार रह गया 138 किलोमीटर दूर। अब ट्रैफिक भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। चार्जेस लिखे हुए टोल के। यहाँ बहुत क्राउड हो रहा है, दिल्ली का ऑलमोस्ट सभी लोग हैं। 4 नंबर गाड़ियाँ, यूपी नंबर गाड़ियाँ, दिल्ली नंबर गाड़ियाँ यहाँ पर सारी इकट्ठी हो रखी हैं। और देखते हैं हरिद्वार जाकर क्या नज़ारा मिलता है देखने का। यहाँ पर आए तो फास्टैग लगा कर जाएँ गाड़ी पर, तो विदाउट फास्टैग के लिए चार्जेस भी डबल चार्ज करते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कैश वाले हैं, कैश पेमेंट की वजह से ये ट्रैफिक जाम हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग हरिद्वार की तरफ जाते जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगा पूरा दिल्ली और यूपी
सब वहीं जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने फर्स्ट जो ब्रेक लिया है अपना ब्रेकफास्ट के लिए जो है अंजीर ढाबा पर रुके थे, इसलिए देखिएगा बेस्ट पानी हो गया, हम ट्राई कर रहे हैं मज़ा आ रहा है। इस टाइम हमने अंजीर ढाबे में पराठा ऑर्डर किया, तो ये तंदूरी पराठा है, कैसा लग रहा आपको? आलू का पराठा है, इसमें बटर, वाइट बटर डाला हुआ है, साथ में चाय और अचार। अभी मेरा पराठा आया नहीं है, तब तक मैं सीमा से टेस्ट कर रही हूँ। 9 बज चुके हैं और हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है और यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर रहता है हरिद्वार। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, ट्रैफिक मिलने की तो पूरी पूरी उम्मीद है कि ट्रैफिक मिलेगा मिलेगा। दस बज चुकी है और हरिद्वार है यहाँ से 7 किलोमीटर, रुड़की 39। ये ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाला है और अभी तक तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। घर से चले हुए हैं करीब, हमें अभी मेरे इसमें 165 किलोमीटर दिखा रहा है, 165 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, हरिद्वार करीब 55 किलोमीटर रह गया है, 55 किलोमीटर के बाद हम लोग हरिद्वार में पहुंच जाएंगे, हरिद्वार पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद उससे पहले हमें कोविड की रिपोर्ट वगैरह का शायद बॉर्डर पर चेकिंग वगैरह करानी पड़ेगी। कोविड की रिपोर्ट हमने करवा ली है, कोविड की रिपोर्ट है हमारे पास और डोज, फर्स्ट डोज का हमारे पास सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। बस अभी हम हरिद्वार एंटर करने वाले हैं, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। शायद अभी बॉर्डर आएगा, बॉर्डर पर हमें लोगों को वेट करना पड़ेगा चेकिंग वगैरह के लिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये खेड़ा जाट करके कोई जगह है, शायद आपकी चेकिंग होने वाली है, उत्तराखंड पुलिस के वहाँ पे बैरिकेड लगी। अभी तो यहाँ तो क्लियर है, अगर हो सकता है चेकिंग पे हमारा टाइम शायद वेस्ट हो क्योंकि दिल्ली का सारा क्राउड वहीं पहुंच रहा है तो शायद हम लोगों को वहाँ टाइम लग जाए। ये भी हो सकता है कि सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं तो शायद जल्द वहाँ ज़्यादा टाइम ना भी लगे, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है फिर हम बताते हैं आपको। अभी फिलहाल तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि चेकिंग नहीं हो रही है, ना ई पास चेक किए जा रहे हैं, ना कोविड की रिपोर्ट चेक की जा रही है। हम रुड़की में एंट्री कर रहे हैं और चेकिंग अभी तक नहीं हुई है। ये यहाँ पर नया फ्लाईओवर बना हुआ है जो सीधा हरिद्वार जाता है, रुड़की के लिए नीचे से एक रोड कट रहा है, रुड़की के लिए देहरादून के लिए, तो जाना हो तो आप नीचे की तरफ से निकल जाओ, अगर सीधा आप हरिद्वार जाना चाहते हो
तो आपको ये ऊपर फ्लाईओवर ले लेना, ये सीधा आपको मतलब रुड़की को क्रॉस कर देगा, सीधा आपको हरिद्वार पहुंचाएगा ये वाला फ्लाईओवर। दोनों साइड ग्रीनरी है और मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है रोड पे चलते हुए, स्मूथ ड्राइविंग। आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। रोड पर भी नॉर्मल ट्रैफिक है, पीछे रोड पीछे जो हम थोड़ा ट्रैफिक वाला पोर्शन छोड़ के आए हैं, खेत हैं ये गन्ने के खेत हैं, और अब हम सीधा फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। ये फिफ्थ टोल पड़ रहा है दिल्ली से अब तक का।